वेलकम डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। सोशल साइंस में हमने अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार उनकी सत्ता बढ़ती रहती है उनकी बात की थी। अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत के काफ़ी राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हमने शुरुआत में बंगाल, मैसूर, मराठा, फिर पंजाब पढ़ लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों की कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से भारत में उन्होंने उन नीतियों के माध्यम से दूसरी रियासतों को अपने अंदर में ले लिया था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ ही नीतियाँ बना रहे हैं और उन्हीं नीतियों के माध्यम से भारतीय रियासतों को अपने अंडर में ले रहे हैं, अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। देखो, अपने शुरुआत से बात की थी कैसे भारत में अंग्रेज आए, कैसे व्यापार करते करते उन्होंने राज्य रियासतों में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दिया और अब भारत के अंदर लगभग उनकी शासन व्यवस्था पूरी रूप से चलने लग गई थी। आखिर में आपने पढ़ा था कि पंजाब के अंदर भी 1849 में पंजाब के अंदर भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। कि जब 1839 के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो 10 साल बाद पंजाब के अंदर भी अंग्रेज़ों का राज शुरू हो गया। लेकिन भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आया और उसका नाम हमेशा याद किया जाता है, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय गवर्नर जनरल था भारत का, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 56 के बीच में रहा भारत के अंदर। इतने साल ये गवर्नर जनरल रहा और इसकी एक नीति थी विलय नीति, विलय करने की नीति। तो विलय नीति ये जो इसकी थी, ये क्या नीति थी इसको समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आता है कि विलय नीति किसने लागू की, लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति किसे कहते हैं तो इस बात को समझो। विलय नीति का मतलब ये होता है कि भारतीय रियासतें अंग्रेज शासन व्यवस्था में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विलय हो जाना। जो ब्रिटिश सरकार थी भारत के अंदर, जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, इसके अंदर दूसरी रियासतें विलय हो जाना। कोई भी रियासत अपनी शासन व्यवस्था को, कोई भी राजा हैं वो भी अपनी रियासत को अंग्रेज़ों के साथ में विलय करने की जितना भी हो सके वो नहीं करना चाहेगा। आसान नहीं होता है अपने रियासत को छोड़ना किसी राजा के लिए। जो राजा आराम से, ऐश्वर्य से, आराम से, मौज मस्ती से रह रहा था और उसकी सत्ता जा रही थी, तो उस राजा के लिए दुख वाली बात होती थी, एक तरह से उसके नरक वाली बात हो जाती थी। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति अपनाई विलय की नीति, इसके तहत, इस नीति के तहत क्या होता था कि जिस रियासत में जो राजा हैं, उस राजा के बाद में अगर उसका कोई बेटा नहीं है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो वो राजा अपने परिवार में किसी और को गोद नहीं लेगा और वो राज्य या वो रियासत अंग्रेजों के साथ में मिल जाएगी। आप सभी ये जानते हैं कि भारत के अंदर जो राज व्यवस्था थी, भारत में जो राजतंत्र था, उस समय राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनता था। सिंपल सी बात है, राजा का बेटा क्या बनता था? राजा। लेकिन कभी कभार राजा का कोई बेटा नहीं हुआ, राजा का कोई बेटा नहीं है, खुद की स्वयं की अपनी कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो राजा क्या करते थे, अपने परिवार में से
किसी एक को गोद ले लेते हैं। गोद लेने का मतलब समझते हो ना, कि अपने भाई के बेटे को या किसी और के बेटे को अपना बेटा मान लेना, और राजा की जो संपत्ति है वो उस बेटे पर बेटे के नाम की हो जाएगी जिस बेटे को राजा ने गोद लिया है। और जिस व्यक्ति को या जिस बेटे को राजा ने गोद लिया है, राजा की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनेगा? जिस बच्चे को गोद लिया गया है, यदि उसकी खुद की औलाद नहीं है तो गोद लेता, इस प्रकार से। लेकिन अंग्रेज़ों की इस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने कहा राजाओं से कि कोई भी राजा यदि उसकी कोई खुद की संतान नहीं है तो वो राजा किसी अन्य को गोद नहीं लेगा। मतलब एक तरह से गोद निषेध की नीति थी, और वो राज्य या रियासत अंग्रेज़ों के साथ में मिल जाएगी। क्या करें, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी और ऐसे अनेक राज्य या रियासत अंग्रेजों के साथ में मिल गई इस नीति के तहत। सतारा 1848 के अंदर जो सतारा रियासत थी ये अंग्रेजों के साथ में मिल गई हैं, ज़बरदस्ती मिला दी गई हैं। अंग्रेजों ने इसको अपने अंदर में मिलाया, क्यों? क्योंकि यहाँ राजा के बाद में राजा का बेटा नहीं था, तो अंग्रेजों ने गोद लेने से मना कर दिया, तो फिर इस रियासत को अपने अंडर में मिला दिया। तो ऐसे बहुत सारे थे जिसके उदाहरण की बात करेंगे, तो सतारा हैं 1848 के अंदर, ये भी इस नीति के तहत अंग्रेज़ों के साम्राज्य में ब्रिटिश सत्ता में मिल गया। संबलपुर भी हैं 1850 के अंदर, ये भी ब्रिटिश सत्ता में मिल गया, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मिल गया। उदयपुर हैं, नागपुर हैं, झांसी, नाम जरूर सुना होगा झांसी की रानी, वो भी 1854 के अंदर अंग्रेज़ों ने इसको अपने अंडर में मिला दिया। फिर अवध, अवध को लास्ट के अंदर अंग्रेज़ों ने इस नीति के तहत अपने अंडर में मिला दिया 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि विलय नीति के तहत किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखो, दो रियासतों के नाम लिखो जो विलय नीति के तहत अंग्रेज़ों के साथ में मिल गई, अंग्रेज सत्ता में मिल गई, इनमें से किसी दो का नाम लिखो। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विलय नीति किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी की ऐसी नीति जिसके तहत कोई भी राज्य का राजा किसी दूसरे को गोद नहीं लेगा, ये नीति थी गोद निषेध नीति या विलय की नीति। और इस विलय नीति के तहत ये जो राज्य हैं, ये राज्य कंपनी ने हड़प लिए इन राज्यों को और वो मिल गए। तो ये जो टॉपिक था विलय नीति, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब इस तरीके से, तरीके कौन कौन से हैं, बंगाल के अंदर किस तरीके से, मैसूर में किस तरीके से, साथ में अपने मराठा को भी पढ़ा, पंजाब के अंदर भी पढ़ा, इन सभी तरीक़ों से और विलय नीति के तरीक़ों से अंग्रेज़ों ने अपनी शासन व्यवस्था खूब बड़ी कर ली थी, और इतनी बड़ी की कि अब अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता कम करने का किसी प्रकार का डर नहीं था, और अब भारत में नई शासन व्यवस्था एक रूप से चालू हो गई थी। पहले कंपनी का शासन था, लेकिन भारत में अब नई शासन व्यवस्था शुरू हो गई। एक अंग्रेज़ अधिकारी का नाम है, याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 से लगाकर 85 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग था वो एक तरह से जो ब्रिटिश प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके ऊपर काम करने वाला था, और इन प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाए थे, क्योंकि बहुत साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया, इतनी खूब जगह हो गई पूरे लगभग भारत के अंदर अंग्रेज़ों का राज हो गया, तो सब जगह एक व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता। वॉरेन हेस्टिंग पूरे भारत के अंदर नियंत्रण नहीं रख सकता है,
इसलिए अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई। और ये जो प्रेसिडेंसी के अंदर भी अलग अलग गवर्नर होते थे और वो उनके अंडर में आने वाले सभी रियासतों को संभालने का काम करते थे। अब ये प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थे, तो बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर और बम्बई के अंदर। क्योंकि बंगाल में, उसके बाद में सबसे पहले बंगाल में तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था, और अवध के बाद में धीरे धीरे उन्होंने मद्रास पर भी नियंत्रण कर लिया था और बम्बई पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो अंग्रेज़ों ने प्रेसिडेंसी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि लगभग पूरे भारत के अंदर एक उनका साम्राज्य बढ़ गया था, तो बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन जगहों पर प्रेसिडेंसी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया था। ये इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ थी। क्या थी? प्रशासनिक इकाइयाँ थी, ये ध्यान रखना है आपको। अब इतनी बड़ी सत्ता है, कई अपराध भी होंगे, तो अंग्रेज़ों ने समझा कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था चल तो रही है, साथ साथ में न्याय व्यवस्था भी चलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था चलाने के लिए अलग अलग अदालतें, कोर्ट बनाए। ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अलग अलग कोर्ट बनाने का निर्णय लिया। कानून व्यवस्था चल रही है, कोई कानून नहीं माने उसको सजा देने के लिए उन्होंने न्याय व्यवस्था लागू कर दी। और 1772 में उन्होंने जिलों में दो अदालतें बनाने का फैसला किया, और उन्होंने अदालतें बनाई, एक फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। देखो, दीवानी और फौजदारी अदालत किसे कहते हैं? अगर कोई भी केस पैसों से संबंधित है, किसे संबंधित है? पैसों से संबंधित है, तो दीवानी केस के अंदर, दीवानी न्याय के अंदर आएगा वो। और कोई भी केस अगर मारपीट से संबंधित है या मृत्यु से संबंधित है तो फौजदारी के अंदर आएगा। मतलब ये हुआ कि किसी ने किसी का, दूसरे का मर्डर किया है, हत्या की है, तो फौजदारी में, और किसी घर पर चोरी हुई है, पैसों का मामला है, तो वो किस में आएगा? दीवानी में आएगा। तो 1772 में अंग्रेज़ों ने जिलों के अंदर दो अदालतें बनाने का फैसला किया, और वो कौन कौन सी हैं? फौजदारी और दीवानी। ठीक है, अब जो इन में से जो दीवानी अदालतें हैं, उनका जो मुखिया था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था, यूरोप का था। भारत के अंदर जो कोर्ट हैं अंग्रेजों के समय, उनका जो मुखिया है वो यूरोप से आता था, जो क्या था? जिला कलेक्टर था। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। लेकिन जो फौजदारी है उसके अंदर जो निर्णय सुनाने का काम है वो काजी करते थे। काजी मतलब मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश को बोलते हैं काजी। ठीक है, और मुफ्ती, मुफ्ती उस मुस्लिम न्यायाधीश को बोलते हैं, न्यायविद को बोलते हैं, जो कानून की व्याख्या करता था। जब कभी कोई केस आया तो काजी न्याय सुनाता था। लेकिन काजी को कौन बनाता कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा देनी है, ये काम मुफ्ती का था। मतलब मुफ्ती वह व्यक्ति था, ध्यान रखना आपको, मुफ्ती वह व्यक्ति था जो एक मुस्लिम न्यायाधीश के रूप में या न्यायविद था, जिसको कानून की जानकारी थी और वो कानून की व्याख्या करता था, और काजी उसी व्याख्या के आधार पर न्याय सुनाता था। कोई केस आ गया काजी के पास में, तो काजी इसको पूछेगा कि इसको किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए, किस प्रकार निर्णय करना चाहिए, तो ये कानून की जानकारी रखता था, इसको कानून का नॉलेज था, और वो कानून की व्याख्या करते हुए काजी को कहता कि इस व्यक्ति को इस प्रकार की सज़ा सुनाना है। लेकिन काजी और मुफ्ती दोनों कलेक्टर के अंडर में काम करते थे। किसके अंडर में? कलेक्टर के काम कर अंडर में काम करते थे। मतलब कलेक्टर एक समय से, उस समय इसका मुखिया था, तो उसके पास में जो राजस्व वसूली का है किसी जिले में, वो इसके हाथ में नियंत्रण था।
जिले में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, पैसों से संबंधित बातें हैं, वो सब कलेक्टर के हाथ में थी। न्याय भी कलेक्टर के हाथ में हो गया था, ठीक है, लेकिन इसमें फिर अलग अलग बातें होने लग गई। अलग अलग बातों में ये होने लग गया कि काजी क्या करते थे, निर्णय सुनाते थे, मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे, इसे धर्म विरोधी बातें सुनाई देती हैं। इसमें धर्म की बात भी शामिल हो जाती है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये लगने लग गया है कि जो काजी या मुफ्ती हैं वो मुस्लिम कानून के तहत व्याख्या कर रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग कानून की अलग व्यवस्था है, सजा की अलग व्यवस्था है और कानून की अलग व्याख्या है। अंग्रेजों को लगने लग गया है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून व्यवस्था होनी चाहिए और मुस्लिमों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए 1775 के अंदर क्या हुआ कि 11 पंडितों ने मिल करके कानून के लिए एक संकलन तैयार किया। 1775 के अंदर 11 पंडितों ने धर्मशास्त्रों के आधार पर एक संकलन तैयार किया, एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट का, उस संकलन का N.B. हालहेड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। धर्मशास्त्र का मतलब समझते हो ना, संस्कृत के इतने बड़े बड़े महाकाव्य जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1775 के अंदर 11 पंडितों ने एक संकलन तैयार किया और फिर उस संकलन का, उस रिपोर्ट का जो हिंदी में लिखी गई या संस्कृत में लिखी गई, उसका N.B. हालहेड ने अंग्रेजी में क्या किया, अनुवाद किया, और वो फिर अंग्रेजों को सौंपी गई। फिर बाद में मुस्लिमों ने भी, या जो मुस्लिम यूरोपीय थे, उनके कानून व्यवस्था की व्याख्या के लिए मुस्लिमों के लिए भी कानून संहिता बनाई गई। तो 1778 के अंदर मुस्लिम के लिए कानून संहिता बनाई गई, ताकि मुस्लिमों के लिए उस हिसाब से कानून की व्याख्या की जाए। तो अलग अलग धर्मों के ऊपर अलग अलग कानून की व्याख्या करने के लिए इस प्रकार के संकलन या संहिताएं बनाने जाने लगी। ये संहिताएं बनने लग गई, संहिताएं के साथ साथ में संकलन अलग अलग धर्मों के बनने लग गए, और पूरे देश में फिर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखना है कि 1773 में एक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके तहत भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आज दिल्ली के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत की गई है, उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब आया भारत के अंदर, कब लागू किया गया, 1773 ईस्वी के अंतर्गत। बिल्कुल बात सिंपल सी है, मतलब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों का पूरे भारत में सत्ता स्थापित हो गई, तो अब उनको सत्ता चलानी थी, कानून चलाने थे, कानून व्यवस्था बनानी थी, न्याय व्यवस्था बनानी थी। तो अब अपन ये समझ रहे हैं कि कैसे भारत में न्याय व्यवस्था लागू हुई, किस प्रकार उन्होंने अदालतें बनाई या कोर्ट बनाए, कैसे उनके ऊपर फैसले होते थे, उनके मालिक कौन होते थे। लेकिन जब धर्म की बात आई तो हिंदू धर्म के लिए अलग संकलन होने लग गया, मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून संहिता बनने लग गई, और इन सब के ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाने की अपील हुई और एक एक्ट तैयार हुआ जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत 1773 के अंदर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। फिर कलकत्ता के अंदर उन्होंने एक अपीलीय अदालत बनाई जिसको सदर निजामत अदालत कहते थे, सदर निजामत अदालत कलकत्ता में सबसे पहले ये सर्वोच्च न्यायालय बनाया। और ये कौन सा अदालत थी, अपीलीय। अपीलीय अदालत का मतलब होता है कि जब कहीं भी आपको वहाँ समस्या हो, फौजदारी अदालत ने जो आपको फैसला सुनाया है, दीवानी अदालत ने जो आपको फैसला सुनाया है, और वो आप फैसला, उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो, आपने कोई गलती की है या नहीं की है, आप पर केस हो गया है, आप फौजदारी अदालत में गए, फौजदारी के अदालत में आपको दोषी ठहराया गया, और आपको लगता है
कि मैंने तो कोई दोस्त नहीं किया है, मुझे तो भी दंड मिल गया है, तो आप इस अदालत में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया इस एक्ट के तहत 1773 में, यहाँ आप अपनी अपील कर सकते हो। आपने यहाँ जो निर्णय सुना है उसके विरोध में यहाँ पर अपील कर सकते हो, उनसे एक प्रकार की एक निवेदन कर सकते हो कि साहब जो मुझे सजा मिल रही है वो बिल्कुल गलत है, मैंने कोई दोष ही नहीं किया है, तो भी गलती से मेरे ऊपर एक केस हो गया है और मुझे सजा मिल रही है, तो आप क्या करो इस पूरे केस को दोबारा सुनो। ये सुनने के लिए देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है कलकत्ता में, और इसको बोलते थे सदर निजामत अदालत। वर्तमान में यही तो हो रहा है, अगर आप पर कोई केस लग जाता है गलती से, आपने कोई गलती नहीं की है, आप किसी केस में फंस गए हो, जिले के कलेक्टर, जिले का जो अदालत है उसमें आपको सज़ा मिल गई है, आपको 5 साल की मान लेते हैं सज़ा मिल गई है, जबकि आपने कोई गलती नहीं की है, दोष आपका बिल्कुल नहीं है, आपने कहा तो गलत बात हो गई भी, जिले के जो न्यायाधीश हैं जज है उसने इस प्रकार की मुझे सज़ा सुनाई है, तो बिल्कुल गलत है। आपने कहा नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपने हाई कोर्ट के अंदर ये अपील कर दी है कि जो जिले के जज ने सज़ा सुनाई है बिल्कुल गलत है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे निर्दोष साबित किया जाए और मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आपने ये बात हाई कोर्ट के अंदर कह दी है, अपील कर दी है कि दोबारा सुनवाई हो। हाई कोर्ट ने दोबारा केस की स्टडी की, वकीलों ने स्टडी की, दोबारा सुनवाई हुई और उस सुनवाई के अंदर ये साबित हो गया है कि आप दोषी हो, आपने गलती की और आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आपने आपको जो सज़ा सुनाई हाई कोर्ट के अंदर, अपने राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर में है, और उसका खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में। जोधपुर में जो आपको सज़ा सुनाई आप संतुष्ट नहीं हो, आपने कहा नहीं गलत बात है, मैं निर्दोष हो तो भी मुझे सज़ा मिल रही है। आप गए सुप्रीम कोर्ट में, आप गए सर्वोच्च न्यायालय में, आपने वहाँ अपील की है कि साहब ये सुनवाई दोबारा सुनी जाए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, कहाँ गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं उन्होंने दोबारा कानून की स्टडी की, वकीलों ने पढ़ा, सुनवाई की, और सुनवाई के अंतर्गत आप निर्दोष पाए गए, आपका कोई दोष नहीं है, सुनवाई के तहत फैसला हो गया, तो आप सजा से बच गए। नहीं तो अगर आप अपील नहीं करते इस प्रकार से तो एक ने जो सज़ा सुनाई वो फाइनल हो जाती है और आपको सज़ा मिल जाती है, लेकिन आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार है कि आप एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय जा सकते हो, तो आपने अपील की इस प्रकार से, ठीक है, और मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाई और दोषी ठहराया है, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। आपको अगर मृत्युदंड सज़ा सुनाई है तो भी आपको सज़ा मिलेगी, आपको आजीवन कारावास मिला है तो भी आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन एक और रास्ता है सज़ा से बचने का, वो है राष्ट्रपति के पास में माफ़ी मांगना। आप अगर राष्ट्रपति साहब से विनती करते हो कि राष्ट्रपति साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मैं इन बातों से फंस गया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सज़ा कम कर दो, और राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक है इनको माफ़ करना चाहिए, और राष्ट्रपति आपको माफ़ भी कर सकते हैं, आपकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जितना संभव हो सके बच भी सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, दो हो सकती है, तीन सबसे गलती नहीं होती है, ठीक है। तो अपने ये क्या समझाएं, अपने ये समझाएं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर न्याय व्यवस्था लागू कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बनाया है ताकि देश के अंदर अगर कोई गलती करे, कानून व्यवस्थाओं को तोड़े, तो उनको सज़ा मिल सके। लेकिन जो उस न्याय व्यवस्था है इसमें अंग्रेज़ों का राज है, सारे अंग्रेज ही न्यायाधीश हैं, अंग्रेज़ों का राज है,
तो फिर अंग्रेज़ गलती करेंगे तो उनको सज़ा कौन सुनाएगा? भारतीय कोई व्यक्ति गलती कर दे तुरंत सज़ा के तहत उनको दंड दिया जाता था, मतलब तुरंत प्रभाव से, कोई माफ़ी वाफी नहीं। लेकिन अंग्रेजी गलती करे तो फिर उनको कौन सजा देगा? तो एक तरह से ये भारतीय नागरिकों के विरुद्ध था, क्योंकि सारे इसमें न्यायाधीश अंग्रेज थे। लेकिन समय के साथ में बदलता गया सिस्टम, जो अपना आगे पढ़ते रहेंगे।